खास उम्र में एक खास पड़ाव में बच्चों का स्नेह बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत महत्व रखता है। और आज के जीवन में जब बच्चे नौकरी के चलते माता पिता से दूर रहते हैं, उस हालात में बच्चे डिस्टर्ब ना हो अपनी तकलीफ तक उनसे शेयर नहीं करते। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो समझदार बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता को भी समझते हैं। दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह मैं सभी का खैर मकदम करती हूँ। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो मेरा लेटेस्ट वीडियो है आपको सबसे पहले मिले। सुबह के जो व्हाट्सएप मैसेज होते हैं कई बार आपके दिल के बहुत नज़दीक होते हैं। हाल ही में मैं एक सदमे से गुजरी हूँ, इसलिए ये मैसेज मैंने महसूस किया कि मेरे दिल के बहुत करीब है। सोचा रोज़ खबरें करती हूँ, आज ये मैसेज आपके साथ शेयर करूँ। एक छोटी सी कहानी है जो आज के माता पिता और बच्चों की बात करती है। बुज़ुर्ग रघुवीर जी अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और बड़े मज़े में उनकी ज़िंदगी गुजर रही होती है। दोनों पेंशन से अपनी जीविका चला रहे होते हैं। वैसे तो काफ़ी बड़ा घर है, 3 बेटे हैं, बहुएं हैं, लेकिन सब अलग अलग शहरों में अपने परिवारों के साथ बिजी हैं। और रघुवीर जी ने एक नियम बना रखा था, दिवाली हो या कोई अन्य त्यौहार, तीनों बेटे सह परिवार उनके पास आएंगे, साथ रहेंगे, वक्त बिताएंगे लगभग 1 सप्ताह तक। और उसके बाद वो जो वक्त है उनका पता ही नहीं चलता था कैसे गुजर जाता था। सारा परिवार उस 1 सप्ताह में खुशी से झूम उठता। अलग अलग भले ही रहते थे, लेकिन उस 1 सप्ताह में पूरी कसर खत्म हो जाती थी। और वो सुखद जो उनका अनुभव रहता था, जो उनका वो एक फील होता था, उसके सहारे उनकी सारे साल की ज़िंदगी गुजर होती थी। लेकिन उनकी खुशियों को एक दिन जैसे नज़र लग गई हो, अचानक सुधा जी जो उनकी पत्नी है उनको दिल का दौरा पड़ता है और एक ही झटके में सारी खुशियां बिखर जाती हैं। तीनों बेटे इस दुखद समाचार को सुन के दौड़े आते हैं और सब क्रियाक्रम के बाद शाम को एक कमरे में बैठते हैं। बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी आप यहाँ रह के क्या करेंगे अकेले, चलिए हमारे साथ। नहीं बहू, अभी यहीं रहने दो, बड़ा अपनापन सा लगता है और सुधा की बहुत सारी यादें हैं इस घर में। और ये कह करके रघुवीर जी चुप हो जाते हैं। बड़ा पोता कुछ बोलने को हुआ तो उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया। फिर वो अपनी बात शुरू करते हैं। बच्चों, अब तुम लोगों की माँ हम सबको छोड़ के जा चुकी है, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें हैं, वो तुम आपस में बांट लो, क्योंकि अब मैं उनको संभाल नहीं पाऊँगा। ये कहकर के रघुवीर जी अलमारी में से, मखमल के थैले में से एक सुंदर सा चांदी का श्रृंगारदान था, उसे लेकर के आते हैं। और उस श्रृंगारदान में एक पुरानी रिस्टवाच थी, सोने के पट्टे वाली वो रिस्टवाच थी। और इन सब खूबसूरत चीज़ों को देख करके बच्चे बड़े खुश होते हैं। छोटा बेटा जोश में कहता है, अरे ये घड़ी, ये तो अम्मा जी सरिता को देना चाहती थी। रघुवीर जी धीरे से बोले, बच्चों और सब तो मैं तुमको दे चुका हूँ, बराबर बराबर बांट चुका हूँ, लेकिन ये 2 चीज़ें हैं, इनसे बड़ा चाव था तुम्हारी माँ को, लेकिन अब कैसे इन 2 चीज़ों को तुम 3 लोगों में बांटूँ समझ नहीं आ रहा। चीज़ें 2 हैं और रघुवीर जी के बेटे 3 हैं, यानी कि 3 बहुएँ हैं। सभी एक दूसरे का मुँह ताकने लगते हैं। तभी जो मझला बेटा होता है थोड़ा सा संकोच करता है और कहता है, ये चांदी का श्रृंगारदान, छोटे के अनुसार वो मीरा को देने की बात करती थी, वो ले ले, और ये सोने के पट्टे वाली रिस्ट वॉच माँ मेरी बहू को देना चाहती थी। पर इसके बाद वो रुक जाता है, पर समस्या तो बनी रहेगी। रघुवीर जी मन में सोच रहे थे और ये भी सोच रहे थे कि बड़ी बहू को वो क्या दे।
उनके मन के जो भाव थे वो पढ़ लिए थे बड़ी बहू ने, कि वो उसी के बारे में सोच रहे हैं। वो आगे आती है और कहती है कि पिताजी आप ये श्रृंगारदान मीरा को दे दीजिए और रिस्ट वॉच सरिता को दे दीजिए, अम्मा भी यही चाहती थी। पर नंदिनी मैं तुम्हें क्या दूँ, समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम भी तो मेरी बहू हो। रघुवीर जी अपनी बड़ी बहू की तरफ देख के ये बात कहते हैं, बाबूजी आपके पास एक अनमोल रत्न है, अम्मा जी मुझे वो देना चाहती थी। अब सबके चौंकने की बारी थी। रघुवीर जी की तरह दोनों बेटे बहू सब हैरान हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि अब क्या रह गया है, कौन सा पिटारा खोलना बाकी है और वो कौन सा ऐसा अनमोल रत्न है जो बड़ी भाभी चांदी के श्रृंगारदान और सोने के पट्टे वाली रिस्ट वॉच को छोड़ करके उस रत्न को पाना चाहती है। ज़रूर बेहद कीमती और बहुत ही मूल्यवान होगा। और फिर वो दोनों बेटे ये भी सोचते हैं, बहुएं भी ये सोचते हैं कि शायद हमने कुछ जल्दबाजी कर दी चीज़ों को लेने में। सबकी हैरानी और परेशानी भाप कर बड़ी बहू नंदिनी मुस्करा दी। वो अनमोल रत्न आप है पिताजी, पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था मेरे बाद बाबूजी की देखरेख तेरे जिम्मे, बस अब आप अम्मा जी की उस इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चलें। रघुवीर जी की आंखें जो है खुशी से छलछला उठती हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है। आप मुझे अपने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे किसी और खूबसूरत सी कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।